धूप में सफेद नहीं हुए। मेरी मैंने सर्विस शुरू की थी 1971 नवंबर में, दिसंबर में साहब बड़ा भारी आपके साथ जो है जंग छिड़ी थी, ठीक है साहब, 13 दिन चली वो जंग। मैं जब आप भरोसे में बैठे थे कि चीन है येलो फ्रॉम द नॉर्थ, अरे सुन तो लीजिए ना साहब, जवाब तो आप दे देंगे, सुन तो लीजिए, येलो फ्रॉम द नॉर्थ व्हाइट फ्रॉम द सी आर कमिंग, ये इनके याया खान साहब जब वहां पे इनके नियाजी साहब रो रहे थे धाड़े मार के, याया खान के साहब रीइन्फोर्समेंट भेजो रीइन्फोर्समेंट भेजो, तो उसको कह रहे थे येलो फ्रॉम द नॉर्थ व्हाइट फ्रॉम द सी आर कमिंग साहब, वो बेचारे इंतजार करते रह गए, हमारी फौजों ने गवर्नर हाउस के ईंट से ईंट बजा दी, सारा शैंडलियर शैंडलियर जमीन पे आ गए थे, और जो गवर्नर साहब थे जो नियाजी साहब थे ईस्टर्न आर्मी कमांडर दुबक के टेबल के नीचे थे साहब, धाड़े मार के रो रहे थे, पिंडी में बैठे हराम जादों ने मारा दिया, नहीं ये मेरे अल्फाज नहीं है, सॉरी मैं गाली नहीं दे रहा, ये उनके अल्फाज है जनरल जनरल आपके नियाजी साहब के। अब आपके एक और नियाजी साहब बैठे हैं, उनको बड़ा मन में ये सुकून है कि चीन मेरे साथ, अमेरिका मेरे साथ, और पता नहीं तुर्की इनके साथ, तालिबान इनके साथ, सब बचाने आ जाएंगे, कोई नहीं आएगा मेरे दोस्त, कोई नहीं आएगा, जब तुम पिटोगे आपको पता है मेजर गौरव अकेले पिटोगे और तुम अकेले रोओगे जैसे आप 71 में रोए थे, धाड़े मार के रोए थे उस वक्त, 93,000 कैदी 13 दिन में तबाही हो गई, मुल्क के 2 टुकड़े